राहुल गांधी सितंबर में दिल्ली के एक फेमस फर्नीचर मार्केट में गए थे और उन्होंने वहां पर कुछ लकड़ी कारकरों के साथ मिलकर मेज तैयार की थी। अब इस मेज को दिल्ली के एक स्कूल को दान दिया गया है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने स्कूल में मेज को दिए जाने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कुछ तस्वीरों को भी एक्स पर शेयर किया, जिसमें कांग्रेस नेताओं को मेज पर लगा फीता खोलते हुए भी दिखाया गया है। राहुल गांधी और कीर्ति नगर फर्नीचर बाजार के कारीगरों के बीच जरिए बनाई गई मेज को दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित दिव्यांग जनों की परमिला बाई चौहान स्कूल के स्टूडेंट को दान दी गई है। अरविंदर सिंह लवली ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मेज और कांग्रेस नेताओं की कुछ तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया। लवली ने ट्वीट कर लिखा कि आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य कारीगरों द्वारा निर्मित बेंचेस को परमिला बाई चौहान मुखबधिर स्कूल में भेंट किया गया। राहुल गांधी द्वारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने के पैगाम का इन बच्चों से अच्छा कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं हो सकता। अरविंदर सिंह लवली के अलावे दीपक बावरिया, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरेंद्र नाथ, पूर्व विधायक नसीब सिंह और पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता भी मौजूद रहे। लवली ने आगे ये भी कहा कि स्कूल और कांग्रेस के बीच इतना मजबूत संबंध बन गया है कि कांग्रेस परिवार उसकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हर संभव मदद और समर्थन देगा। अच्छा, बहुत अच्छा बन गया। आपने बच्चे के लिए कितना अच्छा बना दिया, देखिए ना कितना सोचे आपने बच्चे के लिए, तो अच्छा है बना दिए। तो सब बच्चे बैठेगा कौन बनाए, अरे राहुल गांधी ने बना के दिया मुझे, ऐसे कहेगा सब। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगे राहुल गांधी कभी मैकेनिक तो कभी कूली ड्रेस में नजर आते हैं। और कुछ दिन पहले आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कूली ड्रेस में राहुल गांधी यात्रियों के साथ भी अपने सिर पर सामान लाद कर जाते नजर आए थे। इसके बाद राहुल गांधी बढ़ई का काम करते नजर आए और इस दौरान राहुल गांधी ने कारीगरों से बातचीत भी की। राहुल गांधी कारीगरों से बातचीत के साथ साथ लकड़ी पर हथौड़ा मारते हुए भी नजर आए। राहुल गांधी ने उस दौरान ये भी कहा कि ये मेहनती होने के साथ ही कमाल के कलाकार भी हैं, मजबूती और बखूबी तराशने में माहिर हैं। काफी बातें हुई, थोड़ा उनके हुनर को जाना और थोड़ा सीखने की भी कोशिश की। आपको बता दें कि दिल्ली के कीर्ति नगर स्थित एशिया के सबसे बड़े फर्नीचर मार्केट में राहुल गांधी ने बच्चों के लिए छोटे से कुर्सी बनाई थी। इसके बाद उन्होंने कहा था कि ये कुर्सी किसी बच्चे को दे दिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ये सिलसिला लगातार जारी है। लोगों से वो मिलते हैं और कई जगहों पर जाकर लोगों से बातचीत भी होते हैं, जिनका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी होता रहता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।